नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग एक में घटक 11 हमारा घर तथा पर्यावरण इसका अध्ययन करेंगे। चित्रों के माध्यम से हमने घरों के विभिन्न प्रकार देखे। घरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न बातों के लिए होता है। निवास के लिए, आराम करने के लिए, ठंड गर्मी हवा तथा वर्षा से रक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए। तुम विदेश बाजार तथा दूसरे गांव जाते समय यात्रा में अनेक बातें देखो। उस समय घरों को आप ध्यान से देखते हैं। घरों का निरीक्षण करते समय उनकी रचना, आकार, उपयोग में लाई गई निर्माण कार्य की सामग्री आदि बात। ऊपर की आकृति में भारत तथा संबंधित भागों में पहले से ही में लाए जा रहे घरों के प्रकार दर्शाए गए हैं। घरों की रचना में प्रदेशों के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को आप समझिए। आपने देखा होगा इसमें अधिक वर्षा वाले प्रदेश, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, कम वर्षा वाले प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, दलदलीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश। संबंधित प्रदेशों की जलवायु के अनुसार तथा वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा बनाए गए घर पाए जाते हैं। घरों के प्रकार, उनकी रचना तथा बनाने के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री में विविधता पाई जाती है, इसलिए देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पानी, वस्त्र तथा निवास की आवश्यकता होती है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबके लिए होती ही है, ऐसा नहीं है। इसका कारण नीचे दी गई घटनाएं हैं। जिनके पास निवास आसपास दिखाई देते हैं, ऐसे लोग सड़क के किनारे, बंजर भूमि पर, पदपथों पर, पुल के नीचे, टूटी फूटी पड़ी इमारतों में तथा रेल स्टेशन अथवा बस स्थानक जैसे अनेक स्थानों पर निवास बनाकर रहते हैं। जीविका का वह पर्याप्त न होने के कारण अनेक लोगों को बेघर होना पड़ता है। बेघर होना एक सामाजिक समस्या है। ऐसे व्यक्तियों को घर बनाकर देने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है। कुछ शहरों में सरकार की ओर से बेघरों के लिए रात्रि निवास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी हम देखेंगे बेघर होने के कारण। अपर्याप्त आर्थिक आय, बेरोजगारी, शारीरिक तथा मानसिक बीमारी, प्राकृतिक आपदा, निर्धनता, किफायती घरों का अभाव, स्वच्छ शिक्षा, पानी पर अधिकार है। शेष भाग आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर जरूर।